क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द पेरिमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर लॉन हुज लेंथ इज 20 मीटर्स एंड 50 सेंटीमीटर्स, मीटर सेंटीमीटर एक साथ दिया हुआ है एंड ब्रेथ इज 12 मीटर 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लेंथ एंड ब्रेथ लिखेंगे इसकी। लेंथ है 20 मीटर्स 50 सेंटीमीटर्स, आप 50 सेंटीमीटर्स को चेंज करेंगे, 50 सेंटीमीटर्स को आप चेंज करेंगे मीटर्स में, तो आप मीटर्स में चेंज करने के बाद ये हो जाएगा आपका 20 मीटर्स एंड ये हो जाएगा, इसको अगर आप सेंटीमीटर्स में चेंज करेंगे तो सेंटीमीटर में कैसे चेंज करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आपको करना क्या है, 100 से डिवाइड कर देना है, तो ये मीटर्स में चेंज हो जाएगा राइट। तो ये हो जाएगा 20 मीटर्स एंड 20.50 मीटर्स राइट। इसी तरीके से आपको ब्रेथ भी फाइंड आउट करना है, आप लोग सीख चुके हैं किस तरीके से आपको ये कन्वर्ट करना है, 12 मीटर्स 20 सेंटीमीटर्स अगेन 12 मीटर्स एंड 20 सेंटीमीटर्स को आप मीटर्स में चेंज करेंगे तो डिवाइड बाय 100 करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 12.20 मीटर्स राइट। यहाँ पर हमने चेंज कर लिया है दोनों को मीटर्स में। अब इन्होंने बोला है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन, सो अब आप इसमें फॉर्मूला लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन, ठीक है फॉर्मूला आपको मालूम है क्योंकि ये रेक्टेंगल के फॉर्म में है तो आप रेक्टेंगल वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, 2 × L + B, 2 लेंथ आपको दी है 20.50 प्लस ब्रेथ आपको दिया है 12.20, ऐड कर लेते हैं इनको दोनों को ठीक है 32.70। अब आप मल्टीप्लाई करिए इसको 2 से, देखिए मैंने पहले ही बताया था अगर ब्रैकेट के और नंबर के बीच में कोई साइन नहीं होता है तो वहाँ आप मल्टीप्लिकेशन आपको वहाँ मल्टीप्लिकेशन फॉलो करना पड़ता है राइट। तो अब आप यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 दूसरे गंजा 14.5 and 65.40 मीटर्स, मीन्स जो आपका पेरीमीटर है रेक्टेंगुलर लॉन्ग का वो है 65.40 मीटर्स। तो अब आपने देखा कि हम लोग किस तरीके से इसमें पेरीमीटर के फॉर्मूले इसमें पुट अप करके और सॉल्यूशंस हम फाइंड आउट कर रहे हैं।